डेली व्लॉग सीरीज के तीसरे संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी होम स्टूडियो में शूट और पैक डे है। क्या है ये शूट और पैक डे? ये हफ्ते का वो दिन होता है जिस दिन हम बनाए गए सारे प्रोडक्ट्स को फिनिश करते हैं, उनको फोटोग्राफ करते हैं, पैक करते हैं और कुरियर के लिए तैयार करते हैं। काम बहुत सारा है और समय कम, इसलिए बिना एक मिनट वेस्ट किए हम इस व्लॉग की शुरुआत यहीं करते हैं। मैं आ गई हूँ अपने घर के लिविंग रूम स्पेस में। जब कभी भी मैं घर से शूट करती हूँ तो ये कमरा मेरा पसंदीदा स्पेस होता है। एक तो टेबल टॉप प्रोडक्ट्स रखने के लिए टेबल जैसे कई सर्विसेज यहाँ मिल जाते हैं और अक्सर इस कमरे में डिस्प्लेड चीज़ों से ही मेरे प्रोडक्ट की स्टाइलिंग भी आसानी से हो जाती है। तो आज हम उन्हीं दो बॉक्सेस की फ़ोटो उतार रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में पहले ही बताया था। टेबल क्लॉथ का लाल कलर और टेबल पे रखे हुए कुछ ब्रास की चीज़ें, ये सभी एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट से मेल खाते हैं, इसलिए ये कोना पहले बॉक्स को शूट करने के लिए उपयुक्त रहेगा। अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स का एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखना किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर या डिज़ाइनर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। मेरी कलाकृतियाँ अक्सर अपने आप में इकलौती होती हैं, ऐसे में यदि मैं इस स्टेप की अवेल ना करूं, तो समय के साथ कुछ प्रोडक्ट्स की गिनती भी नहीं रहती। अपने काम को कल्पना के माध्यम से चित्रित करना, उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, अपने प्रोडक्ट्स को स्टाइल करना, उनको शूट करना, ये सारे स्किल्स बेहद ज़रूरी होते हैं जिन्हें किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर को या फिर किसी डिज़ाइनर को सर्वप्रथम सीख लेना चाहिए। देखिए, इतनी सारी थियोरी का ज्ञान होने पर भी मुझसे ये स्टेप अक्सर छूट जाता है। कम से कम शुरू शुरू के दिनों में तो डेफिनेटली हो जाता था। अक्सर प्रोडक्ट को बनाने में ही इतना समय लग जाता है कि उनको शूट करने की ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन समय के साथ मैंने अपने लिए एक ऐसा प्रोटोकॉल बना लिया है जिससे मैं ये निश्चित कर लेती हूँ कि बिना फोटोग्राफ किए कोई भी प्रोडक्ट मेरे स्टूडियो के बाहर ना जाए। इस विषय पर मुझसे सुझाव मांगा जाए तो मेरा सबसे पहला मशवरा होगा, कीप थिंग्स सिंपल, यानी चीज़ों को सरल ही रखिए। यदि हो सके तो एक दिन में बहुत सारे प्रोडक्ट शूट करने का प्रयास मत कीजिए। अपने शूट का लुक और फील एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लें, या तो उसके बारे में सोच लीजिए, हो सके तो मूड बोर्ड बना लीजिए या फिर कुछ बेसिक आइडिया स्केच कर लीजिए। यदि तैयारी रहे तो फटाफट शूट हो जाता है और हम अपना काम टालते नहीं। और यदि एक या दो ही प्रोडक्ट्स हैं तो फिर स्टूडियो लाइट्स निकालने का तामझाम मैं नहीं पालती। हाँ, कभी कभी ट्राईपॉड या लाइट्स निकालने ही पड़ते हैं, जैसे कि मॉनसून्स में जब उपलब्ध प्रकाश इतना ज़्यादा नहीं होता। शूट के लिए जिन भी प्रॉप्स की आवश्यकता होती है वो मैं एक या दो दिन पहले ही तैयार कर लेती हूँ। ध्यान रखिए, ये सारे मशवरे सिर्फ उस सूरत के लिए हैं कि जब आप एक या दो प्रोडक्ट्स ही शूट करना चाह रहे हों। यदि पूरा पूरा कलेक्शन निकल रहा हो तो ऐसे में प्रोफेशनल शूट का प्रबंध कर लेना ही बेहतर होता है। तो पहले टेबल टॉप ट्रंक का शूट हो गया और अब दूसरे बक्से के लिए मैं यहाँ इस कॉफ़ी टेबल पर एक फ्लैट ले शूट सेटअप कर लूँगी। उसके पहले इस टेबल पर रखी सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। तो आसपास की बड़ी चीज़ों से मैंने ये पुरानी जरी का टुकड़ा निकाला है जिसके ऊपर हम बक्से को स्टाइल कर सकते हैं। मुझे इससे बेहद लगाव है क्योंकि ये उस साड़ी का हिस्सा है जो मेरे पिता ने मेरी माँ को सबसे पहले गिफ्ट के रूप में दिया था। और ये वो बक्सा है जिसका हमें फ़ोटो लेना है। इसको यहाँ टेबल पर रख कर कलर्स और कॉम्पोजिशन के हिसाब से मैं स्कीम में फेरबदल करूँगी। चूँकि बॉक्स कुछ पेल रंगों से बना है इसलिए इसके नीचे मुझे लगता है हल्के रंग का बैकग्राउंड देना ही बेटर रहेगा, और उसके लिए शायद ये पुरानी सिल्क की धोती ज़्यादा बेहतर रहे। ये धोती मेरे नाना जी की थी। इस तरह की कई पुरानी पुरानी चीज़ें मैंने बहुत संभाल कर इस ग्लास बॉक्स में डाल रखी हैं। ऐसे बाहर से ही इन चीज़ों का आनंद भी उठाया जा सकता है और ये चीज़ें भी डस्ट और पोल्यूशन से बची रहती हैं। जैसे मैंने सोचा था, ये डेफिनेटली ज़्यादा बेटर लग रहा है।
इस प्रकार फोटोशूट तो संपन्न हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे के कामों की तरफ बढ़ूं, मुझे लिविंग रूम में फैलाए हुए कचरे को समेटना होगा। तो मैं मिलूंगी आपको इस क्लीनअप के बाद। फोटोज ले लेने के बाद बॉक्सेस को हम डिस्पैच करें, उससे पहले हम इनको वार्निश करेंगे। और उसके पहले मैं एक बार फिर से बहुत बारीकी से इन्हें देखूंगी। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कोई पेंट छूट गया हो तो उसको हम इस समय टचअप करेंगे। तो अब हम बॉक्सेस को फिनिश करते हैं, जिसके बाद हम इन्हें वार्निश और सील करेंगे। तो बॉक्सेस को फिनिश कर हम उन्हें ले आए हैं अपने घर की आउटडोर स्पेस में। स्प्रेइंग का प्रोसेस या वार्निश करने का प्रोसेस काफ़ी पोल्यूटिंग होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप विषैले धुएं से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और कोशिश करें कि ये प्रोसेस आप खुली हवा में करें। वैसे तो वार्निश कई अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन यदि झटपट काम करना हो और हाई ग्लॉस चाहिए तो इस प्रकार का स्प्रे वार्निश उपयुक्त होता है। मैं यहाँ पर आर्टिस्ट क्लियर पिक्चर वार्निश का प्रयोग कर रही हूँ। स्प्रे वार्निशेस कन्वीनियंट तो होते हैं, साथ साथ एक्सपेंसिव भी। कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वार्निश करने के बारे में मैं और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो फिर बात घूम फिर कर वही आ गई। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और वीडियोज़ बनाऊँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर से मेरे हिंदी वीडियोज़ को आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। ये क्लिप्स मैंने ली हैं 24 घंटे बाद। वार्निश को समय मिला है जिससे कि वो हार्ड होकर क्योर हो सके। अब ये बॉक्सेस पैकेजिंग के लिए तैयार हैं। चूँकि पैकिंग हो ही रही है और कुरियर वाले भैया थोड़ी देर में आने वाले हैं, मैं फटाफट और प्रोडक्ट्स पैक कर ले रही हूँ जिनको मुझे आज ही निकालना है। परंपरागत रूप से मैं दिवाली के लिए एक टेक्सटाइल बेस कलेक्शन ज़रूर निकालती हूँ। इस साल कुछ निजी कारणों से वो नहीं हो पाया है और हम दिवाली नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स मुझे सैम्पल के तौर पर कुछ सेलेक्ट क्लाइंट्स को भेजने हैं, इसलिए यहाँ पर वो पैक हो रहे हैं। तो ये था एक पैक और शूट डे का लेखा जोखा। इस तरह से
मैं अपने प्रोडक्ट्स को स्टाइल करती हूँ, उनको शूट करती हूँ, फिनिश करती हूँ, वार्निश करती हूँ और पैक करती हूँ। मेरा अगला वीडियो ऑलरेडी एडिटिंग टेबल पे है। मैं आशा करती हूँ आपसे बहुत जल्द मिलने की। आज के लिए मुझे विदा दें।